हे गाइस वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और आज एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब के थ्री मुझे सेकंड मंथ के अंदर कितना अर्निंग हुआ, कितना यूट्यूब आपको पे करता है और एग्जैक्टली अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे तो आपके अर्निंग की पॉसिबिलिटी कितनी है। मोस्टली मेरा जो ऑडियंस है वो हिंदी ऑडियंस है, तो उस केस में आप कितना कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं, क्या इसमें अर्निंग की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो मैं आपको सारे लाइव स्टैट्स दिखाऊंगा, कितना रेवेन्यू हुआ, कितने व्यूज आए और एवरीडे का कितना YouTube ने मुझे दिया। तो गाइज ये सारे करेक्शंस मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिखाने वाला हूं। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चले शुरू करते हैं और वो भी हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइज सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और कमेंट करके आपके व्यूज बताना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा अगर ऐसा ही आपको बहुत सारी लर्निंग डे टू डे सीखनी है। तो चले गाइज शुरू करते हैं। वेलकम गाइज, तो फिर से हम आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली यूट्यूब ने कितना अमाउंट मुझे दिया है या कितना अर्निंग मेरा यूट्यूब के थ्रू हुआ है। यहाँ पे हम सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली गाइज आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने प्रीवियसली एक अपलोड किया था एक वीडियो जहां पे मैंने आपको बात की थी मेरी फर्स्ट मंथ की अर्निंग यूट्यूब से कितनी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। साथ ही साथ मैं लिंक आई बटन में एड कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली कितना अर्निंग हुआ। तो डेफिनेटली गाइज चलते हैं हम यूट्यूब के लाइव स्टैट्स के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलिए यूट्यूब स्टूडियोज के अंदर चलते हैं और यूट्यूब स्टूडियोज में जाने के बाद में हम एनालिटिक्स के सेक्शन में जाएंगे और वहां से ही स्टैट्स दिखता है कि एग्जैक्टली अर्निंग कितना हुआ। ये अर्निंग जो यहाँ पे आपको दिखता है वो एवरी मंथ की 9th से 11th के बीच में, इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, इसके बाद ये अमाउंट आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर चला जाता है और वहां से फिर 21st को विड्रॉ होता है। तो गाइस नाउ वी आर मूविंग टू द यूट्यूब स्टूडियो, दैट इज द डैशबोर्ड। ओके सो सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आऊंगा और हम चलते हैं एनालिटिक्स के सेक्शन के अंदर और एनालिटिक्स के सेक्शन के अंदर हम जाएंगे और चेक करेंगे रेवेन्यू थी लास्ट 28 डेज है। मैं इसको चेंज करता हूं और वो है हमारा मंथ सेप्टेम्बर, सो हम सेप्टेम्बर का चेक करेंगे। तो गाइज दिस इज वॉट द एस्टिमेट अर्निंग ऑफ माई फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फ्रॉम यूट्यूब। यहाँ पे करीब करीब 1,07,000 व्यूज हुए हैं और 5,79,000 इतने मिनट्स का टोटल वॉच टाइम हुआ है। ओके और इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है कितने सब्सक्राइबर्स इस मंथ के अंदर ऐड हुए और कितना एस्टिमेट रेवेन्यू है। तो आप देख सकते हैं पिछले मंथ के मुकाबले इस मंथ में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो कहीं ना कहीं 45% अप हुआ है। तो गाइज वहां पे ज्यादा था आई थिंक, फिर भी यहाँ पे इस तरीके से स्टैट्स दिखा रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज अपन बात करते हैं कि सीपीसी कितना जनरेट हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो जो 1 सितंबर को वीडियो था कि ब्लॉगिंग से $100 कैसे कमाते हैं, तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया था उस दिन को जो अर्निंग हुआ था या उस दिन के जो व्यूज है वो आप देख सकते हैं। हम चलते हैं रेवेन्यू के सेक्शन के अंदर और यहां पर चेक करेंगे कि एग्जैक्टली अर्निंग 1 सितंबर को आप देख सकते हैं करीब करीब $6.76 एक दिन का आया था। बहुत सारे जितने भी वीडियोस थे उन सब का टोटल मिलाकर के इतना, सेकंड में 4.46 और इसके बाद देख सकते हैं 7.61 और कभी कभी तो नीचे $2.41 भी है और किसी दिन मैक्स है $7 का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एवरेज जो है वो $4 से $5 का है, एवरेज $4-5 का है। तो डेफिनेटली इसके थ्रू मुझे टोटल मंथ का अर्निंग जनरेट हुआ वो है $142 और आप देख सकते हैं जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूं उस दिन डेफिनेटली अर्निंग ज्यादा होता है क्योंकि उस दिन व्यूज ज्यादा होते हैं। ओके गाइस तो ये इस तरीके से स्टैट्स होता है आपको दिखाई देता है और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। मेरे हिसाब से करीब करीब 30 दिन के अंदर 22 से 23 वीडियो डेफिनेटली मैंने अपलोड किए हैं। और गाइस इस तरीके से आपको एडसेंस के थ्रू अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं तो कमा सकते हैं। और गाइस मैं सीपीसी की बात करूं तो मेरे हिसाब से जो मुझे सीपीसी मिलता है वो करीब करीब 0.01 का सीपीसी मिलता है, जितने भी क्लिक्स होते हैं उस पर 0.01 और एवरेज दिन का $4 से $5 के बीच का जो एस्टिमेट होता है इतना अर्निंग मुझे यूट्यूब के थ्रू जनरेट होता है। तो गाइज अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली किस टाइप की नीश है तो आप सभी जानते हैं मैं सारे वीडियोस ब्लॉगिंग पे बनाता हूं। तो अगर आपका चैनल ऐसा कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड है या फिर से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है इस टाइप की टेक्नोलॉजी, तो वहां पे कैसा होता है होस्टिंग की कंपनीज होती है और इस टाइप की जो भी कंपनीज होती है जैसे थीम्स वाली कंपनी होती है तो ये बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो यूट्यूब के वीडियोज आते हैं उस पर जो एड्स आती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव आती है, ज्यादा महंगी आती है, क्योंकि मेरी मोस्टली ऑडियंस है इंडिया की ऑडियंस है और हिंदी में मेरे चैनल्स होता है। इसके बाद भी मुझे 0.01 का सीपीसी मिलता है और इतना अर्निंग हो रहा है करीबन 4 से 5 हजार व्यूज पर डे के आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता, किसी के दिन ज्यादा हो जाता है लेकिन एवरेज 4 से 5 हजार व्यूज आते हैं। और इसके बाद 4,000 से 5,000 व्यूज आने पे अगर आपको $4 से $5 का अगर मिल जाता है तो यहां पर आपका जो आरपीएम होता है पर 1,000 व्यूज वो करीब करीब $1 जितना आ रहा है,
क्योंकि ये चैनल हिंदी में है। तो गाइस डेफिनेटली मैं अभी इसमें इंग्लिश में चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, जहां पे हम सिर्फ ब्लॉगिंग सीखेंगे वो भी इंग्लिश के अंदर। तो जो भी इंग्लिश की ऑडियंस है तो यहाँ पे मुझे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस मिलेगी। अगर मेरे पास इंग्लिश में चैनल होता है और अगर मैं यही वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूँ तो गाइज मेरा जो सीपीसी होता है वो 1000 पे क्लोज टू $5 और $6 हो जाता है। मतलब कि एक दिन का $20 से $25 कमाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है जितने व्यूज मुझे हिंदी चैनल पे आते हैं अगर उतने इंग्लिश पे आते हैं तो। सो गाइज ये होता है YouTube के थ्रू अर्निंग एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा और आने वाले ऐसे फ्यूचर के वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली आपको ब्लॉगिंग, YouTube, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।